तेरी माँ का। वैसे मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता, पर उस रात कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। ठीक 2 बज रहे थे रात के, हम भाई बहन सोने के लिए जा रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात के 12 बजे के बाद हमारे घर पे कोई आए के डोर नॉक करे या बेल बजाए, पर उस रात ठीक 2 बजे अचानक हमारा डोरबेल रिंग होता है। पर हमें उस वक्त डर नहीं लगा, डर तब लगा जब हमने दरवाजा खोला और पीछे कोई नहीं था। दो सेकंड के लिए लगा शायद कोई बच्चा के बेल बजा के भागा हो, पर रात के 2 बजे कोई बच्चा क्यों आएगा। हमारी फटके 4 तब होती है जब अगले दिन ठीक 2 बजे उसी वक्त हमारे दरवाजा का बेल फिर से नॉक होता है। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, हमने देखा वहां कोई नहीं है। भाग के आके हम भाई बहन उस रात पूरी सो नहीं पाए। तीसरे दिन रात ठीक 2 बजे वही होता है। जैसे ही मैं झांक के देखता हूँ बाहर कौन है, तो मुझे दिखता है एक इंसान शॉल ढके हुए जा रहा है। मुझे लगा ये शायद कोई हमारे कॉलोनी का ही बंदा है। रंगे हाथों उसे पकड़ने के मकसद से मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। इस तरह से 3 दिन निकल चुके थे। फिर 4th दिन आता है, पर इस बार हम तैयार रहते हैं कि जो भी हो उसको आज रंगे हाथ कैसे भी पकड़ के रहेंगे। घड़ी की सुई जैसे ही 2 बजे के ऊपर आती है, फिर से बेल रिंग होता है। बिना देरी के जैसे ही हमने बाहर झांका, हमारा शरीर कांपने लगा। एक इंसान शॉल ढके हुए सीधा दरवाजे की तरफ खड़ा था। फिर हम भाई बहन ने हिम्मत जुटाया और जैसे ही हमने दरवाजा खोला, हमेशा की तरह वहां कोई नहीं था। तो कुछ इस तरह से 4 दिन जा चुके थे। 5वां दिन जब आया तो हमने डिसाइड किया कैमरा लगाना पड़ेगा। तो हमने घर के बाहर CCTV कैमरा लगा दिया, कैप्चर करने के लिए कि कौन है ये सब कर रहा है और कहां गायब हो रहा है। 5वां दिन रात के 2 बजे ठीक वैसे ही बेल रिंग होता है और कैमरे में हमारे जो कैद होता है जिसे देख हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। तेरी माँ का भूत। आखिर कौन था ये बंदा? ये राज भी उसके साथ ही चला गया। अब फाइनली हम चैन की नींद सो सकते हैं।